इलेक्ट्रिकल गीजर किस प्रकार से वर्क करता है, इसमें कौन कौन से उपकरण या कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं तथा कौन से कंपोनेंट का क्या कार्य है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल गीजर में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वह उसमें कुछ ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हुए होते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल गीजर में कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें 3 पिन प्लग लगा होता है जिससे मेन लीड जुड़ी होती है, जिसमें न्यूट्रल फेज और अर्थ की सप्लाई जाती है गीजर तक, और उसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगी होती है जो हीटिंग को कंट्रोल करती है। अर्थात जब पानी गीजर में अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो ये थर्मोस्टेट स्विच सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, जिससे जो गीजर के तापक्रम पर जो सेट किया हुआ होता है उससे अधिक नहीं हो पाता। अर्थात जो पानी है उसका टेम्परेचर सेट किया होता है, जिससे पानी की टेम्परेचर उस सेट के वो टेम्परेचर तक जाता है, तो ये थर्मोस्टेट स्विच उसको कट ऑफ कर देती है सप्लाई से, जिससे गीजर बंद हो जाता है और वह उस टेम्परेचर से ज़्यादा पानी गर्म नहीं हो पाता। और इसमें एक रेड इंडिकेटर और एक ग्रीन इंडिकेटर लगा होता है। देखिए, रेड इंडिकेटर को समझिए। रेड इंडिकेटर गीजर में ये बताता है कि गीजर तक सप्लाई पहुंच रही है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि गीजर में अभी किस स्थिति में, अर्थात चालू स्थिति में है या बंद। इससे ये पता चलता है कि गीजर अभी बंद स्थिति में है। जब तक ग्रीन इंडिकेटर नहीं जलता, जब तक गीजर बंद स्थिति में रहता है, और जब ग्रीन और रेड इंडिकेटर दोनों जलते हैं तो गीजर तक सप्लाई भी पहुंच रही है और वह चालू कंडीशन में भी है। इस प्रकार रेड और ग्रीन इंडिकेटर जो है संकेत के लिए लगाए जाते हैं। और जो गीजर में मेन जो हीटिंग यानी गर्म होने वाला भाग है, वह हीटिंग एलिमेंट होता है जो गीजर के अंदर लगा होता है। इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देने पर यह हीटिंग एलिमेंट काम करने लगता है, अर्थात ही गर्म होने लगता है और पानी को गर्म करता है। और जो यह है स्टैंड है जिससे गीजर को टांगा जाता है, अर्थात दीवार पर जो गीजर को टांगने के लिए स्टैंड लगाया जाता है वो यह है, जिसमें स्क्रू के माध्यम से गीजर को टांगा जाता है। और ये वाटर इनलेट है जो टंकी से जुड़ा होता है, जो इससे पानी गीजर के अंदर इन होता है तथा आउटलेट वाटर के लिए ये टोटी लगाई गई है, अर्थात ये पाइप जाता है जिससे गर्म होने के बाद पानी टोटी में होकर आता है, अर्थात ये इनलेट वाटर है और ये वाटर आउटलेट के लिए है। इस प्रकार वाटर इनलेट तथा वाटर आउटलेट के लिए 2 पाइप लगे होते हैं, जिससे वाटर इनलेट से पानी पाइप के माध्यम से गीजर तक अंदर आता है और वाटर आउटलेट के माध्यम से टोटी में गर्म पानी फिर बाहर निकलता है। और ये ड्रम है जिसमें पानी जाता है, अर्थात जिसमें गर्म होता है, और हीटिंग एलिमेंट रॉड भी इसी में लगी होती है जो पानी को गर्म करने के लिए काम में ली जाती है। इस प्रकार जो गीजर में है इतने कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं तथा इसकी वायरिंग करना भी सिंपल है, आसान है। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित जैसे एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, मोटर वाइंडिंग, हाउस वायरिंग एवं गीजर से संबंधित वीडियो मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।